हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सूफी वाव ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं सो के उठ गया हूँ अभी 1 घंटा पहले। अभी 6 बज रहे हैं सुबह के, सॉरी 5:30 बज रहे हैं सुबह के। ये देखिए बिस्तर हमारा, यहीं पे सोता हूँ। ये टॉवल है, ये तकिया कम्बल का, और ये दूसरा तकिया जो मैं ओढ़ता हूँ। और अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, बाहर से टहल के आ गया हूँ। ये देखिए आग मैंने जला लिया चूल्हे में, और बर्तन भी पूरे हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल मैं साफ कर लिए हैं। अब मैं चावल चढ़ाऊंगा। आगे वीडियो में बने रहिए, ब्लॉग में दिखाता हूँ मैं क्या क्या बनाऊंगा आज। तो चलिए ब्लॉग में आके दोस्तों, देखिए 2 गिलास चावल डालूंगा, मेरा 3 टाइम खाने का हो जाएगा अभी सुबह, दोपहर को और फिर रात को। 2 गिलास चावल में हो जाता है मेरा तीनों टाइम। देखिए मैं निकाल के डाल रहा हूँ, और मैं इसे धो करके अब आग पे चढ़ा दूंगा। पकने में 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे। चावल पक्का चावल है, ये देख रहे हैं आप लोग, पक्का चावल है, तो 15 मिनट लग जाते हैं बनने में। आगे बने रहिए, मैं चढ़ा के फिर मिलता हूँ, इसे आग पे चढ़ा के फिर। देखिए दोस्तों, 2 गिलास चावल मैं 4 गिलास पानी डाल दिया हूँ और आग पे चढ़ा दिया हूँ। मैं इसे ढक दूंगा अब, और इसमें थोड़ा सा नमक और तेल भी ऐड कर दूंगा ताकि चिपके नहीं एक दूसरे से, नहीं तो चावल चिपक जाते हैं, चिपके हुए चावल खाने में मज़ा नहीं आता। इसलिए थोड़ा सा तेल ऐड करता हूँ और थोड़ा सा नमक टेस्ट के लिए। आगे बने रहिए, मैं अभी दाल बनाऊँगा तो आप लोग को दिखाऊँगा कि दाल मैं कैसे बनाता हूँ, और मतलब अच्छी दाल बनाता हूँ। लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छी दाल है तुम्हारी, अगल बगल में लोग खाते हैं कभी कभार, किसी को कम पड़ जाता है, साइड में फैमिली वाले हैं सब। मैं सिंगल हूँ, एक अलग कमरा मिला है मुझे यहाँ पर, अब देख सकते हैं सीट वाला रूम है। आप लोगों को दिखाया था पहले भी, लेकिन जो पहले रूम दिखाया था वो किसी फैमिली वाले को मिल गया, और मुझे दूसरा रूम मिला छोटा वाला। पहले जो था वो थोड़ा रूम बड़ा था, तब मैं छोटे रूम में शिफ्ट हो गया हूँ कल शाम को। तो आगे ब्लॉक में हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल हमारे में तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये देखिए दोस्तों, ये तुअर की दाल, इसको लाहर बोलते हैं हम लोग अपना लैंग्वेज में। और ये मूंग है, ये मसूर है, ये 3 दाल मैं बना रहा हूँ अभी, तीनों को एक साथ। ये देखिए उसमें डालता हूँ वो क्या है, ये पैकेट है जीरा का, थोड़ा सा जीरा भी डाल दूंगा, उसका टेस्ट अच्छा आता है। ये हल्दी है, टर्मरिक, ये हरी मिर्ची, और ये देखिए लहसुन है, ये थोड़ा सा एक छोटा सा आलू है जिसको मैं बारीक चॉप कर लिया हूँ, और ये प्याज भी चॉप कर लिया हूँ, और ये जो पत्ते दिख रहे हैं ये कड़ी के पत्ते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा आता है, टेस्ट भी लगता है खाने में। और ये सब ये अभी दाल देखिए मैं डाल दिया हूँ, ये सादी डाल दिख रहा होगा आप लोगों को, पानी में गर्म हो रहा है, गर्म होगा इसमें से झाँक आएगा, वो झाँक निकालने के बाद मैं ये सब चीज़ें डाल दूंगा, और सब चीज़ डालने के बाद लास्ट में नमक डालूंगा और उबाल आएगा, उसके बाद थोड़ा सा तेल डाल के फिर मैं वापस ढक दूंगा दोस्तों। तो मैं ऐसे ही दाल बनाता हूँ, उसके बाद दाल बनने के बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आगे ब्लॉग में बने रहिए। हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरा दाल बन गया, पूरा गल गया है, ये देखिए पूरा स्मोक आ रहा है इसका। ये देखिए इसमें थोड़ा सा इसको हिला के पूरा मिक्स करके, और थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, फिर गरम करूंगा, और फिर इसमें छौंका डालूंगा। छौंके के बिना खाने मज़ा नहीं आता भाई। आगे ब्लॉग में बने रहिए। मैं हेलो दोस्तों, खाना बन गया अब मेरा, अब मैं जा रहा हूँ ब्रश करने के लिए। पानी का सुविधा तो है नहीं, लेकिन जहाँ से पानी पीता हूँ ला करके, वहीं से एक बॉटल लाया हूँ, तो उसी से मुंह धो लूँगा। और आ करके हो गया 10 दिन लगभग, लेकिन अभी तक कंपनी क्या करे, अब हम लोग भी यहाँ काम करके फंस गए हैं आ करके, कंपनी ऐसा है कि अभी तक जुगाड़ नहीं दिया। 12 दिन हो गया मेरे को आके यहाँ पे, 12 दिन हो गया और अभी तक पानी का सुविधा नहीं हुआ है। खैर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है, चाहे कैसे भी करूँ। बाहर आए हैं कमाने के लिए तो भाई कमाना पड़ेगा, चाहे यहाँ से अगर छोड़ के चले भी जाता हूँ कि नहीं सुविधा अच्छा नहीं है,
तो एक महीने का पेमेंट गया। हम लोग का पेमेंट जो ना ऑपरेटर लाइन में पेमेंट बहुत फंसता है, समझे, कोई दिक्कत हो गया सेठ ही भगा देता, अरे जाओ भाई तुम ऐसा अच्छा नहीं किया या वगैरह वगैरह कुछ भी, समझे, या खुद ही छोड़ के चले गए तो पेमेंट गया। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है भाई, जैसे जिस हाल में भी है बस पैसा मिलना चाहिए, महीने का सैलरी आना चाहिए। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मैं ब्रश करने जा रहा हूँ, खाना बन गया है मैं खा लूँगा, और मशीन में थोड़ा सा मेंटेनेंस है, डीजल का बैरल रखा हुआ है देख रहे हैं, तो डीजल भी आ गया है, डीजल डालूंगा, ब्रेकर के ऊपर से डालने में थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन डालना तो पड़ेगा। चलिए बाय बाय, चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, जैसे कि जानते हैं आप मैं नया यूट्यूबर हूँ, मुझे बात करना भी उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है अभी, लेकिन मैं धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाऊँगा। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, ओके बाय बाय।